इन्हें दिल्ली में वापस ले लिया। ए बी औरंगजेब की रात में आहुतियां देनिया पड़ी है, मरना पड़े पंजाब की धरती से तुपका तुपका पंजाबियों ने भरवा फिर जाके जिंदगी के एक ठंड पैनी है। रब करे ऐसा मौका आए, ऐसा मौका आए। मैं बाबा जी के चरणों से दास करता सच्चे पातशाह महाराज, मेरी जिंदगी ऐसी लिखी, ऐसी जिंदगी मेरी लिखी है काल पुरख कि मैं पंजाब के एक एक जी के पैरों में मेरे खून का कतरा गिरे, मेरी भाव बन गए पंजाब के लोग और सब तुम्हारे के पैरों से चले गए। ऐसा हो तो मैं समझ गया मैं पंजाब वास्ते कुछ किया। मेरी अक्षर हंजू वाले में जब मैं गल कर किसान तुझे हाथ चला के देखो तो किला ला के अगले रंग में बैठे ने अगले कहते लीडर इन्हें ट्रैक्टर से चला के तो किला मैंने फसल बीज के दिखाओ उन्हें पता लगे धर्म मुंडा की है। पंजाब में मुंडा असी किया तुझे किया तो जो बाहर गए हैं उन्होंने भी किया है। अच मैं पूछना मेरी ललकार है सारे एम एल ए जे जुड़ते आओ सारे कट्ठे हो गए आओ मेरे सारे फोन करते भाजी की चाहिए मैं कुछ नहीं चाहिए थोड़ा खून चाहिए थोड़ा सिर चाहिए जिधर गोलियां चलिया गला रिकॉर्ड कर दे सारे ये हो उधर भजे हुआ जेड़ा भजे और अपनी चंगी मां भी दसा योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अपनी अपनी सोच है, हर बंदा अपनी सोच नाल गल करता है। मेरी ये सोच है मैनु अकाल पुरख तो यह हुक्म मिलया है गुरु घर तो भी जाके कौम नूं जगा। कौम जागदी किवें है जब कौम अपना पिछोकड़ याद हो गया। पंजाब की धरती तो इलेक्शन लड़के पंजाब की धरती के हुक्म मान के इतों एम पी बन के इतों मंत्री बन के मेरी बदनसीबी है कि मैं सियासतदाना के घरे पैदा होया। ये मेरी बदनसीबी है। मेरा सगा फुफ निरंजन सिंह तारक पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान होया करता सी उदों प्रताप सिंह कहरो सीएमसी दे मैं 5 साल का सी। मैं उस कार्यक्रम ते देखिया किस किस्म दे लीडर किस किस्म दे सियासतदान चप्पे चप्पे ते झूठ चप्पे चप्पे ते बेईमानी। मैं अपने घर की गल सुना रहा अपने पुत्र की गल सुना रहा मैं अपने पिता जी ने आख्या मैं क्या मैं इस घर च नहीं रहना। तुम की समझते हो पंजाब के अब किसानों की मसला अज शुरू है? नहीं 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 75 साल पहला मास्टर तारा सिंह का नाम सुने बुजुर्ग सुने हाथ खड़े करे जे मास्टर तारा सिंह जिन्हों आप आगू बना के भेजा ये ठीक है उसे जाके माउंट बैटन ने की किया। असी 150 साल इस मुल्क से राज किया तारा सिंह अपना पंजाबी सूबा अज मैं यह गल ठीक है बुजुर्ग दसो एक गल ठीक है अपना पंजाबी सूबा अज लैना है ठीक है जी। रात पंत जवाहरलाल नेहरू आता है अपना तना मास्टर रिश्ता है आप मां की ढिड चो पैदा हुए हैं और एक गोदी च बैठा गल करता मास्टर तारा सिंह और सवेर माउंट बैटन जाके कहता नहीं जिस तक कट्ठे है ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है मेरे को माउंट बैटन ने फिर क्या पंजाबी सूबा लैना हरियाणे तो दिल्ली तो लाया के हिमाचल सब मिलता से साइन कराया असी कट्ठे कर रहे और दसो ये साढ़े वाटवन एरिया की गल है फिर गल आ गई इतने जट को 100 किले पैरी 200 किले पैरी 500 किले पैरी
बिल की पास हो जट को सिर्फ 18 किले पैदी रहूगी। ये सच है बुजुर्गो, सच है। ओनो की होया ओनो क्यों ढेरी पानी रखो क्यों नहीं रखो थे कसम। मैं सवाल पूछना आपने फट बोले दे जब 18 किले जट को रह गए सी सारी बाकी जमीन यूपी में मेरे बुजुर्गों को 24 एकड़ जमीन सी सारी जमीन चली गई छोटे सारी मिले जमीन चली गई। रही खेती की गल जिन्हें कीला निभाया उन्होंने की पता तर्क कि बीजी की और जिन्हें धान में बीजे उन्होंने की पता धान बीजे की तकलीफ की होती है। आ गए जी पुलाव खा लो जी आज जरा पुलाव बनाइए तरह तरह से पुलाव बन रहे हो जिन्हें धान बीजे जब तक चक नहीं पता किसान नहीं पता है वो दर्द है वो महसूस होना चाहिए। मेरी मां मेरे पिछे एक पहाड़ पिछले बन के पढ़ना 100-100 कीला वाया मैनू पता है एक किसान का दर्द की है। मेरी अक्सर हंजू आ जाते जब गल करते एक किसान तुम हाथ चला के देखो एक किला वहां के अगले रेल में बैठे हो अगले कहते लीडर इन ट्रैक्टर से चला के तो किला मैंने फसल बीज के दिखाओ उन्हें पता लगे दर्द होता की है जब गिंद किनू कहते जमींदार किनू कहते। लेकिन दुख की गल है बंदा कदे भी आप पराए तो नहीं मरे जे मुगल सी तो पराए सी जे अंग्रेज सी तो पराए सी। आज जिन्हां पिछे कुर्बानियां दित्तियां जिन्हां पिछे वड वडेरे चले हैं जिन्हें माताओं ने अपने बच्चों के टुकड़े करा के अपने घरों च पा लिया मैं पूछना चाहना उन्हें बुजुर्गों वड वडेरिया कैसा बाप है तू कि तेरे बच्चे भुखे सौ गए हैं तेरे बच्चे को तन तक रोटी नहीं खाने मुंह च रोटी नहीं तन तक कपड़ा नहीं पैरों की जुटियां नहीं तेरे नींद के लिए होगी। मैं बाप नहीं पूछना चाहूं वो बाप रहनुमा हूं मैं सीएम होवे प्राइम मिनिस्टर होवे उसके बच्चे ने भुखे सौ गए तो बाप को नींद नहीं आया मैं समझता। लेकिन अच साडे विच वड्डियां किने पाई है साडे लोगों ने पाई है। मैं नाम नहीं लेना किसी का आप 5-6 दिन एक साड़ी पर आदमी जो बंदा है बकवास ने बड़ी की थी पर कोई जवाब मैं दूंगा क्योंकि मुद्दा हो नहीं है। मुद्दा है कि तू क्या मैं किता मैं उसे जाके पिकता मैं देखे ने पिक नहीं अहमद शाह अब्दाली 40-40 हजार जनानियां बजा के अहमद शाह अब्दाली ने बजा टके टके से जनानियां बिक रही पता ठीक है पता चल पता है क्या टके टके सिर बिक रही थी इतों का लीडर इतों जित के दिल्ली के दरबार से टके टके सिर बिकते हैं बोली की लग गई मेरी देखी भी गल है सुनी भी। मैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग 10-12 जरूरी अटेंड की है 5 लाख 15 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ तेरी कीमत क्या है मुन्नू लाचिक उठे जाकर पैरी पेंदे मथे टेकने में रात को शराबा पीते ने और गल पता की होंगी छटो पर मुद्दे की गल ही नहीं जिस इंसान को पिकड़ की आदत पै जाए वो पाप का भला की करो। और गल चली सी बच्चों की पंजाब च कन्या पंगे बैठे जिन्होंने अपने बच्चे बाहर सेट करते पिछले 75 साल तो पंजाब के सारे बंदे कोई कनेडा अमरीका अभी भी तैयार हो इंग्लैंड जेड़ा बंदा अपना घर छटे अपनी मां की पुकड़ छटे उस मां को लोग मंगिया कर देंगे उस घर के कबूतर पाने को याद रखो पंजाब में मंगा असी किया तुसी किया तो जो बाहर गए उन्होंने भी किया। अज मैं पूछना मेरी ललकार है सारे एमए वाले जे जुड़ते आओ सारे कट्ठे हो गए आओ मेरे सारे फोन करते भाजी की चाहिए मैं कुछ नहीं चाहिए थोड़ा खून चाहिए थोड़ा सिर चाहिए बेड़ा आ गया याद रखे बिल मिलो इन्हें बिल मिलो वापस लेना ये भी औरंगजेब की औलाद ने आहूतियां देनिया पैनिया मरना पैना पंजाब की धरती से तुपका तुपका पंजाबियों का धुआं फिर जाके जिंदगी के इतने ठंड पैनी है। रब करे ऐसा मौका आए ऐसा मौका आए
अरदास करता सचे पातशाह महाराज, मेरी जिंदगी ऐसी लिखी, ऐसी जिंदगी मेरी लिखी है काल पुरख, ते मैं पंजाब के एक एक जी के पैरों में मेरे खून का कतरा गिरे, ते मेरी भैन बन गए पंजाब के पैर खड़ी हो गए। इस तरह हो मैं समझ गया मैं पंजाब वास्ते कुछ किया, ना मैं लीडर, ना मैं तेरा चाहिए, ना मैं किसी पार्टी में जाऊंगा। मैं सिर्फ पहला साल गया सी, बाबा दर्शन सिंह जी बैठे सी, मैं कहा महाराज बहुत होगी हो, बहुत कर लिया, बहुत दुनियादारी देख लिया, अपने देख ले, बच्चे देख ले, परिवार देख लिया, सब झूठ झूठो झूठ है, कुछ नहीं। मैं कहा मेरी तमन्ना है बाबा जी मेरी मौत हो तो मेरी देह में पहला साल लिया के पांच सिंह दाग ला दे, उन्हें कुट के मेरी चप्पी पा गई, उदो अंदोलन की कोई गल नहीं थी। और कह लगे बेटा अजय गुरु घर चो तेरे को बहुत सेवा लेनी, अजय तू पिछड़े में जोड़ना, यह जी गल नहीं कर रही। मैं कहता बाबा जी एक गल जरूर दो वर दो, जे गल बहुत वध गई रब के ठीक हो जाए, मेरे किसानों का हक, मेरे वड्डे भैन भरा, मेरी धियां भैनों मिल जाए, शायद वो नींद आ जाऊंगी। पर जे कदे कदे शहीदी की गल मुकनी है तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने किसानों की पंजाब की धरती मां की पहला शहीद का वहां मेरा भी सिरमा टिक दिया हो, मजा नहीं जिंदगी का कोई मजा नहीं। और एक गल होर सुन लो, जिधर गोलियां चलियां गलों का बहुत करते सारे, ये हो उधर भजे उन्होंने जेड़ा भजे और अपनी चंगी मां की कसम, जेड़ा भजे धरती मां पंजाब की कसम, आतिया भैं बैठिया थोनों कसम है एक चकोरी खावे, तू एक बार बह के देख मेरा तेन चैलेंज है, जा आप सही तेन दसी पंजाब है कि पंजाब होना की है। याद रखे मैं कर कह के चलो फकीर आदमी, मैं कैसी लोनी थोड़ा प्यार चाहिए, तुम्हें मैं बेनतहा प्यार दिता है, अभी अरदास है मेरी, कट्ठे हो गए रहो, बड़े ने आना है, बड़े ने झूठ बोलना है, बड़े ने थोड़ा तोड़ने की कोशिश करनी है, पर जो हो मेहनत कट्ठे रहे तो फिर पंजाब हजू हज दूजू को याद रखे वड वडेरे गुरु पीर तुम खड़े लाभ भी करे जिथे जिथे खून बुलूगा उथे दस शहीद होर पैदा हो, जिथे जिथे पंजाब के बच्चों का, पंजाब के बुजुर्गों का, पंजाब की जवानी का खून बुलूगा उथे गुरु साहब अपने कारकोट महाराज की दरगाह चो ए जरनैल भेजे किस पंजाब की धरती को आके शांति। होर भी लेटैस अपडेट्स लई तुसी देखते रहो रुतबा पंजाब दा।